लेंगे चोपटा के लिए, उसे मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। सो कल तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी जितना आपने देखा होगा, क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो फिर डायरेक्ट मैं सो गई थी, कुछ नहीं कहा था हमने। एंड अभी देखते हैं, और यहाँ जहाँ पर हम रुके हैं ना, ये एक कॉटेज टाइप का है, और यहाँ का व्यू जो है ना वो बहुत प्यारा है। आप देखो मतलब यहाँ पर ऐसे वाटर है, पहाड़ है, तो व्यू काफ़ी प्यारा है। सो गाइज, आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि अब हम निकलेंगे यहाँ से चोपटा के लिए, कहते हैं उसे मिनी स्विट्जरलैंड, और वहाँ का रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ऐसा बोला जाता है। और उसके बाद हम जाएंगे पंचकेदार, और वापस घर जाते हुए हम संगम भी देखेंगे, कैसे दो नदियाँ मिलती हैं और फिर गंगा नदी बनती है। तो अभी आप मुझे बहुत कुछ आपको दिखाने के लिए, सो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आप बहुत सारा इन्जॉय भी करने वाले हो, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलने वाली है, क्योंकि हम पंच केदार के भी अभी दर्शन करने वाले हैं, और भी बहुत कुछ एक्साइटिंग है, तो देखते रहना। और यहाँ रास्ते में हमें नींबू दिख गए थे, आई मीन मैं तो इन्हें संतरे समझ रही थी, इतने बड़े हैं। सो चलो थोड़े से लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा ये नींबू है जी, कितना बड़ा नींबू है ये। थैंक यू। तो ये वो अंकल जी जिन्होंने हमें परमिशन दे दी थी थोड़े से लेने के लिए, सो थैंक। और अब यहाँ से शुरू होता है हमारा चोपटा का खूबसूरत सफर। हमें तो चक्कर आने लगे हैं, फोन पे देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम रुक चुके हैं, वही ट्रैवलिंग का यही मजा है, जहाँ मन करे रुक जाओ। खुली जगह है, हाँ बाग का इलाका है ये। ओहो ये तो भाई जंगल है पूरा, बाग शेर तेंदुआ सब मिलेंगे यहाँ, बस मिल ना जाए हमें। हाँ हाँ, तितली बन के मैं उड़ू, तनन तनन। ये रास्ता इतना सुंदर है ना कि हम लोग बीच बीच बार बार यहाँ पर रुकते जा रहे हैं, और यहाँ पर तो अब हम फाइनली रुक ही गए हैं, और अभी हम यहाँ पर कुछ खाएंगे पियेंगे मस्ती करेंगे, एंड देन फिर यहाँ से हम चोपटा के लिए निकलेंगे। सो आप भी यहाँ का व्यू इंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ का व्यू एक्चुअली में स्विट्जरलैंड जैसा है। अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर इसे मिनी स्विट्जरलैंड क्यों, चंद्रमा भी है, बिकॉज इट्स एक्चुअली, अरे वाह चंद्रमा भी है और सूरज भी है, सही है। आप लोगों के पास हमेशा एक वीडियो रहेगी जो इतना अच्छा ड्राइव कर रहे हैं, जो मजा आ गया रास्ते का। अंकल जी आपको कितने साल हो गए ड्राइविंग करते हुए? 94 से। ओहो मैगी भी बनेगी आज तो। यार ये तो भालू लग रहा है। ज्यादा आगे नहीं जा रहे अंकल जी। आकाश क्या चीज है यार ये। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बारी। हाँ भैया चलो फेंको, जगह दो, हटो भाई सीनियर को जगह दो। क्या बात है भाई, मेरा बढ़िया गया। मेरी बारी। हाँ चलो वो बंदर बैठे हैं। मेरी बारी, क्या गेम है ये। अच्छा फेंक रहा है यार। हाँ कौन अच्छा फेंक रहा है। महीने भर पहले हमारा मन आया मैगी का, मैंने कहा मैगी हम बनाते हैं, और हमने बिना मसाले की मैगी बना ली। बिना मसाले की सड़ी हुई मैगी ये खाते हो तुम? कह रहे पापा तुमने मसाला नहीं डाला। पापा यार एक मसाला साफ नहीं बन पाए पापा हमारे। सारी धूल मिट्टी झाड़ लो इसमें।
पहाड़ों की मैगी और चाय का स्वाद ही अलग है। मैगी बना के फिर थोड़ा लेकिन धोने के लिए तो पानी चाहिए था। अभी ऐसे ही रख लेंगे। यहाँ पर पापा की मैगी दिखाओ जरा। पापा मैगी उनकी बिकी आराम से। नैपकिन लगा लो ना नीचे। कितने लोग रह गए? चम्मच वो रही आंटी जी के पास है। बिट्टू भाई कहाँ हो गया? चम्मच देना मुझे उनके लिए ले जा रहा था क्या? बहुत ज्यादा बंदर है। ये है पहाड़ों की गर्मा गर्म स्वादिष्ट मैगी जो कि बनाई है हमारे अंकल जी ने, तो और भी ज्यादा बढ़िया। सबने बनाई है मिलजुल के। अंकल जी किसी ने आग लगाई। किसने लगाई? पापा। हाँ सिलेंडर कौन लाया अंदर से? अच्छा चौपटा 3 किलोमीटर। चलो भाई चौपटा भी आ ही गया। आराम से। बहुत ज्यादा पतला है। बहुत पतला है यार ये तो। ओ गॉड ओ गॉड। मेरे भाई इधर आके देख लेने जा रहे हैं थोड़े। ओ गॉड ये तो हम बिल्कुल ऐसे किनारे से चल रहे हैं यार। क्या बात है भाई, कल हम तभी तो डरते थे। राजा हिमालय आ गए। अरे वाओ कितना केदारनाथ मंदिर। वाओ अरे भैया इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना। अरे भैया क्या बताऊं मैं आपको, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। मजा आ गया भाई। चुपता नजारा है नजारा। अरे वाह भाई वाह। धन्यवाद करो चलाने वो। अरे और बोलो ना भैया एक बार। अरे देखो देखो कौन आया। वीडियो में चलो और चलते रहो चलते रहो और चलते रहो। सीढ़ियों कहाँ चली गई मेरी सीढ़ियाँ। आंटी धक्का नहीं देना आंटी, यहाँ पे स्पीड नहीं रुक पाएगी हमारी। मजा आ जाएगा फुल मजा। दो तीन चार दिन में सच में यार हम क्या करें। अब हम अभी आ गए। ओ माय गॉड यहाँ देखो यहाँ कितना बढ़िया है ये देखो आकाश। अब आप लोग इस व्यू को एंजॉय करो और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर बाय बाय। अब मैं आपको ले चलूंगी नेक्स्ट वीडियो में पंच केदार के दर्शन के लिए।